एगो जादव जी के लड़का पसंद बा। ये जादव जी के लड़का पसंद बा गाना आयल उठलाली कसम, जब गाना आयल जौना के लगभग अब तक आप लोग 20 मिलियन लोग देखले बटे, तो 20 मिलियन के बाद ये ओ घड़ी हमारे लगा हो गए 7-8 मिलियन। तो 7-8 मिलियन के बाद हमने के दिमाग में आयल कि अभी कंटेंट और डालल जा। तो ई गाना रिकॉर्ड भर हुए आदिशक्ति के स्टूडियो में, और ई गाना कृष्णा जिया भाई के लिखल हटे। और जरा सा ध्यान से सुनम लगा के कुछ बात पर विषय पर, आप लोग गार्जियन हैं आप लोग न्याय वाली बात करिएगा, और आप लोगों का सजेशन और जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। तो कृष्णा जिया भाई का गाना है और म्यूजिक श्याम भाई का दिया हुआ है आदिशक्ति से। और ये गाना मुझे लगा कि अच्छा गाना है, तो काफ़ी दिन पहले हम लगभग 6 महीने पहले ही ले जाकर डमी दे दिए थे आदिशक्ति में। गाना रिकॉर्ड हो गया 2 महीने के बाद रिकॉर्ड हुआ था डमी देने के बाद। गाना रिकॉर्ड होने के बाद गाना लेट होने लगा, तो मेरी शूटिंग चल रही थी छपरा में उठलाली कसम वाला। तो उस शूटिंग में हम सोचनी कि वो गाना के भी शूट कर दल जब, कि लगन जल्दी जल्दी निकल जाता थे और लेट हुई था वो गाना ना आई तो फिर गाना का स्वाद खत्म हो जाए। तो गाना शूटिंग भी हो गई जी, शूटिंग भैया के बाद वो गाना एडिट पर चल गई। तो हमने की आदिशक्ति में बात भैया कि भाई गाना भेजना है तो मंगा लीजिए अगर रिलीज करना है। तो आदिशक्ति के भैया लोग बोले अमित भैया कि ठीक है मंगा लेंगे। तब तक क्या हुआ कि हमारे पास गाना का कमी हो गया। अब उठलाली कसम गाना रिलीज भैया के बाद गाना चले लगल और चैनल खाली जाते हुए, तो हमने वहाँ हमको रिक्वेस्ट किया कि ऐसा है कि ये गाना हम खुद ही शूटिंग कराएं, तो क्यों नहीं ये गाना हम अपने पर रिलीज़ कर लें, आपको दूसरा गाना दे देंगे। तो ये गाना हम लोगों ने खुद पर रिलीज़ हो गया। जब रिलीज़ हो गया तो एक दिन बाद फ़ोन आ रहा है वो कंपनी से कि भैया ये गाना अच्छा गाना है और हम लोग के लिए बना था, तो क्यों नहीं हम लोग को दे दीजिए। फिर हमने लगा कि अगर वो लोग कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, चाहे इस तरह का सामंजस्य बना हुआ है कि कंपनी के लिए हम काम करते हैं, तो ये गाना उन लोगों को दे दिया जाए। तो फिर हमने गाना अपने से उतार दिया, अजीत आनंद एंटरटेनमेंट से उतार गया, वो गाना रिलीज हो गया आदिशक्ति फिल्म्स पे, ठीक है। उसके बाद सारा राइट्स आदिशक्ति फिल्म्स को चला जाता है, कॉपीराइट क्लेम कंटेंट आईडी जो भी लगाना है वो लोग लगाएं अपना, और गाना रिलीज होता आदिशक्ति पे। अब 20 दिन के बाद देख रहे हैं कि उस गाने की कॉपी शुरू हो गई, और कॉपी शुरू हो गई तो इतने धड़ल्ले से शुरू हो गई कि जैसे 2016 में हम गोलर नहीं कि जुलिया का मांग ले, तो केहू गावत के नेहवा का मांग ले, तो केहू गावत के पुजवा का मांग ले, तो केहू गा के लुलिया का मांग ले। तो वो गाना के हमारा भयंकर तरीका से ओकर ऑपरेशन कैलस लो, और वो गाना कंपनी के माध्यम से ही हमारा हाथ से निकल गए। वेब कंपनी में ही वो गाना आयल, लेकिन पवन सिंह के क्रेडिट वो गाना के चल गए, जबकि वो गाना हमारा। YouTube झूठ नहीं के बोल सकत, और हमने जीवन में बहुत सारे गानों को गंवाया है। वहीं फिर स्टोरी आज दोहरावल जा रहा बटे, सेम जुलिया वाला 16-4-20-22 6 साल के बाद वो स्टोरी दोहरावल जा रहा बा। तो क्या एक कलाकार को, एक अच्छे इंसान को, एक निष्पक्ष आदमी को, एक बिना झगड़ालू आदमी के जीवन में आगे बढ़े कहने के आकी ओकरा न्याय ना मिले? आप लोग अपनी बात को जरूर रखिएगा, आप कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा। इस मुद्दे पे ही कोई कमेंट्स आप रखिए, मेरा विनम्र निवेदन है भाई लोगों से